सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कलश त्याग का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है, समस्त तीर्थों के पावन जल का प्रतीक है, ये कलश समस्त देवी देवताओं के पुण्य प्रताप का प्रतीक है। कलशस्य मुखे विष्णु, आपने कोई साधारण कुंभ नहीं धारण किया, कलश धारण किया वो भी कहाँ, गिरिराज जी की तलहटी में, जहाँ की रज भी उड़कर यदि शरीर पर पड़ जाए तो 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसी है गिरिराज की तलहटी। आपने कलश धारण किया, उस कलश की क्या विशेषता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले तो स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गणास्मता, कुच्छौ तु सागराः सर्वे, सप्त द्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः। कलश में क्या क्या है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का मुख ही भगवान नारायण है, विष्णु है। कंठे रुद्रः समाश्रितः, कलश के कंठ में माला पहनाई जाती है ना, तो कलश का कंठ ही शिव का प्रतीक है, रुद्र का प्रतीक है। चंद्रमौली भूत महावन नागेश्वर भस्मेश्वर, चंद्रकांत का प्रतीक है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, जो मूल में पूजन किया। हमारे जो परीक्षित जी महाराज इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्रीमती सावित्री देवी और श्री तीर्थराज जी, तीर्थराज जी ने पूजन किया कलश का, तो भूदेवों ने जो पूजन कराया। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, मूल में जो है, मूल क्या है, वो ब्रह्मा है। मूल में ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा बाबा विराजमान है। मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गणास्मता, कलश के मध्य में जो उभरा हुआ भाग है वो समस्त मात्र शक्ति, समस्त देवियां उस कलश में विराजमान है। मध्ये मात्र गणास्मता, कुछ हो तो सागरा सर्वे, और कलश के गर्भ में, कलश के कुक्षी में क्या विराजमान है, समस्त पवित्र तीर्थों का, नदियों का जल विराजमान है। कुच्छे तो सागराः सर्वे, गंगा सागर, सप्त सरोवर, समस्त पवित्र नदियां, छोतु सागराः सर्वे, सप्त द्वीपा, और सातों द्वीप विराजमान है। वसुंधरा धरित्री का प्रतीक है, ये कलश समस्त देवताओं का आलय है।